अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज रुबीना अंसारी किचन में मैं आपके लिए इंजीर की खीर तैयार कर रही हूँ। 8 से 10 इंजीर के पीसेस को मैंने धो के अच्छी तरह से भिगो दिया था। ये 4 से 5 घंटे तक भीगी हैं और देखिए कितनी सॉफ्ट सी हो गई हैं। इसमें से 2 से 3 इंजीर को मैं काट लूँगी गार्निशिंग के लिए। आधा लीटर मिल्क लिया है, ये टेट्रा पैक मिल्क है। इसके अलावा मैंने 3 टेबलस्पून चीनी के लिए हैं, चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लीजिएगा। 1.5 टेबलस्पून मैंने चावल लिए हैं, इन्हें मैंने भिगो के खुश करके पीस लिया था। 2 इलायची हैं, इनको आप पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल लेते हैं। केवड़ा वाटर है और मैंने कुछ बादाम लिए हैं जो हवाइयों की शक्ल में हैं और कुछ मैंने गार्निशिंग के लिए रखे हैं। तो चलते हैं खीर की तैयारी की तरफ। इस सॉस पैन में दूध को डाल के मैं अच्छी तरह से उबाल लगाऊंगी और ये पकेगा। अभी मैं फ्लेम हाई कर रही हूँ। ये दोनों इलायचियाँ मुंह खोल के मैं अभी ही डाल दूंगी और ये दूध थोड़ा सा गाढ़ा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंच सकें। अब इन इंजीर को मैं पेस्ट बनाकर लेकर आती हूँ। जब तक दूध उबल रहा है मैं दूध को चेक रखूँगी। दूध में अच्छी तरह उबाल आ चुका है। अब मैं ये चावल जो पिसे हुए हैं ये आहिस्ता आहिस्ता करके डाल रही हूँ और चलाती रहूँगी। अब हमने चावल डालने के बाद इसे आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए पकाना है ताकि इसमें लम्ब्स ना पड़े। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है, उबाल आता है तो मीडियम लो करूंगी और ये 10 से 15 मिनट तक पकेगा। यहाँ मैं पेस्ट बना के ले आई हूँ इंजीर का, और कुछ इंजीर को मैंने काट के इस तरह से छोटे पीसेस में रख लिया है, ये गार्निश करेंगे। तो फिर मिलते हैं थोड़ा सा दूध गाढ़ा होने के बाद। चावल डाल के पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं चीनी भी डाल रही हूँ और चीनी के साथ ये पकेंगे और बहुत अच्छी तरह से जब गाढ़ा होता है तो फिर हम मिलते हैं। लो फ्लेम पर दूध और चावलों के आमेजों को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब मैं फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ और ये इंजीर जो मैंने ब्लेंड किया है, जिसका पेस्ट बनाया है, ये भी डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए पकाऊंगी। इस स्टेज पे मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट की हवाइयों को भी डालूंगी, बाकी गार्निशिंग के लिए रखूंगी। अब ये थोड़ा सा पकता है तो फिर हम मज़ीद प्रोसेस करते हैं। मैं इसे चलाती रहूंगी मुस्तकिल और फ्लेम को थोड़ा सा मैंने और हाई कर दिया है। इंजीर के पेस्ट के साथ लो फ्लेम पर पकते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए, अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है। इतनी ही कंसिस्टेंसी मुनासिब है क्योंकि ठंडा होकर ये मज़ीद गाढ़ी होगी। अब मैं इसमें केवड़ा वाटर डाल रही हूँ और अच्छी तरह से मिक्स करके इसे ढक के रखूँगी। फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं इन्हें निकालूंगी और निकालने के बाद फिर मैं इसमें को गार्निश करके आपके लिए प्रेजेंट करती हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तकरीबन 1 मिनट हो चुका है, बड़ी अच्छी सी खुशबू फैली हुई है। अब मैं आपके लिए सर्विंग डिश में निकाल रही हूँ। तो मिलते हैं प्रेजेंटेशन पर। व्यूवर्स, आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी इंजीर की खीर तैयार है। इसे मैंने सिल्वर फॉयल और ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है। कुछ इंजीर भी मैंने इस पे ऊपर थोड़ी सी सजा दी हैं। इसे फ्रिज में रखें, ठंडा करें और मेहमानों को प्रेजेंट कीजिए, खुद भी खाइए। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़।